दोस्तों वेलकम टू सुपर टेक गुरु। तो दोस्तों बिहार सरकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में आई है बहुत ही बड़ी वैकेंसी। तो दोस्तों आप यहाँ से विज्ञापन देख सकते हैं। तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता असैनिक यांत्रिक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित अस्थायी नियोजन। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 24/01 दिनांक 18/7/2007 में निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत सहायक असैनिक के कुल 64 एवं सहायक अभियंता यांत्रिक के कुल 6 रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन। वैसे सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हैं वे विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भारत का नागरिक होना चाहिए और इसमें हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि आरक्षण है या नहीं। तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है दोस्तों। यहाँ देखिए सहायक अभियंता असैनिक कुल पद यानी कि असैनिक यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन तो अनुसूचित जाति में 9 है, अनुसूचित जनजाति में 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 14 और पिछड़ा वर्ग में 5, पिछड़ा वर्ग की महिला 4, सामान्य 32। तो अनुसूचित और आरक्षण कोटिवार रिक्ति जिसमें सहायक अभियंता यांत्रिकी का कुल 6 पद है। तो अनुसूचित जाति का 0/1 और अनुसूचित जनजाति का 0/0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1, पिछड़ा वर्ग का 1, पिछड़ा वर्ग की महिला के 0 और सामान्य में 3। तो यहाँ देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 23/42 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण एवं पत्र संख्या 25/26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत के पोता पोती नाती नतनी को 2% क्षैतिज आरक्षण तथा 40% एवं उससे अधिक निःशक्त अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार दे होगा। आरक्षण राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन होगा। तो जी हाँ दोस्तों इसमें आरक्षण मिलेगा। जो बिहार के होंगे स्टूडेंट उनको आरक्षण जरूर मिलेगा। सामान्य में बाहरी के लोग भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मानदेय है इसका 55,000 प्रति माह देय होगा। शैक्षणिक योग्यता देखिए सहायक अभियंता असैनिक पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में डिग्री धारी यानी कि बीटेक हो, किसी मान्यता प्राप्त भारतीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सिविल अभियंत्रण में सिविल अभियंत्रण के लिए डिप्लोमा धारी हो। तो दोस्तों डिप्लोमा धारी भी इसमें भर सकते हैं। सहायक अभियंता यांत्रिक पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से मैकेनिकल अभियंत्रण में डिग्री धारी हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त भारतीय अभियंत्रण महाविद्यालय से मैकेनिकल अभियंत्रण में डिप्लोमा धारी हो। दोस्तों यहाँ क्लियर हो गया कि डिप्लोमा धारी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जाना होगा बिहार जॉब पोर्टल .com पे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।